अब तक आपने देखा अदिति को फूलेश्वरी मंजू को सौंपती है। सरोजा परेशान होती है और तभी मंजू को बहुत खांसी आने लगती है। मंजू की खांसी को देख सरोजा उससे अदिति को ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। फूलेश्वरी को मंजू पर शक होता है। वो अपनी पहचान के एक डॉक्टर को फोन करती है। मंजू को याद आता है कि फूलेश्वरी सरोजा से घर का वारिस पाना चाहती है। उसे घर में अपनी जगह और गिरते हुए दिखती है और वो विचलित हो जाती है। सरोजा अपने कमरे में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स देखकर एक बार फिर पूछती है कि फूलेश्वरी उसे इतना सब क्यों खिलाना चाहती है। माधव अपनी बात कहने ही वाला होता है लेकिन तभी तारा आ जाती है और माधव कुछ कह नहीं पाता। अदिति को लेकर सरोजा के मन में सवाल रहते हैं कि फूलेश्वरी उसे अदिति से अलग क्यों करना चाहती है। माधव कहता है कि माँ को लगता है कि अदिति की वजह से उन्हें इकट्ठा समय नहीं मिलता। फिर माधव और सरोजा जैसे ही करीब आते हैं अदिति जाग जाती है। सरोजा अदिति के पास चली जाती है और माधव कहता है कि जब तक सरोजा अदिति की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होती वो जमीन पर ही सोएगा। अब आगे डॉक्टर साहब है, खास बनारस से बुलवाया है हमने इन्हें तुम्हारे लिए। जितनी भी बीमारी है ना तुम्हारे अंदर झट से निकाल देंगी ये। डॉक्टर साहब अच्छे से देख लीजिएगा इसे और जितनी भी खून की जांच हो ना सब करवा डालिएगा। नब्ज बताइए। जीप दिखाइए। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है, अब बिल्कुल ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर पहले भी यहाँ आई थी, उन्होंने हमें चेक किया तो उन्होंने कहा कि हम अंदर से बहुत कमजोर हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप हमें ठीक से देखिए। देखिए हमें सर्दी जाम हो गई है। देखिए डिलीवरी के बाद नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है जब उन्होंने चेकअप किया हो तब आप बीमार हो, लेकिन अभी आप बिल्कुल ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, हम बहुत बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। देखिए हमें सर्दी ने जकड़ लिया। नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अम्मा जी नाश्ता हम अपने कमरे में ले जाएं? हाँ हाँ क्यों नहीं। मंजू दीदी आप ये ले जाइए, हम अभी अभी निकाले हैं। मंजू बहू एक मिनट। अम्मा जी ये हार तुम्हारा है? Thank you.
हमें मिला कहीं से। घर का खानदानी हार है ये, जरा ख्याल रखा करो जैसे अपना रखती हो। मंजू, बहुत बड़ी भूल हुई है तुमसे। दुनिया में हर कोई बिकाऊ नहीं होता, पर आगे से चाहे जो भी हो, कभी किसी डॉक्टर की ईमान की कीमत मत लगाना। डॉक्टर साहब, आपने जो भी किया ना, वो हमारी चिता तक याद रहेगा हमें। आपका ये एहसान, हमारा ये परिवार जीवन भर नहीं भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। अब क्या हो गया अम्मा? क्या हो गया ये पूछो बेटा, क्या कसब हो गया? तुम्हारी इस बड़ी भाभी ने बच्ची से पल्ला झाड़ने के लिए बीमारी का बहाना बनाया, और जब डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, तो इसने उस डॉक्टर को खरीदने की कोशिश की। हमारा खानदानी हार उसे रिश्वत में दे दिया। गरीब घर से हो तुम, जानते हैं हम, इस तरह से सोने चांदी में लदने का सपना सपने में भी नसीब नहीं हुआ होगा तुम्हें। दो कपड़ों में ब्याह कर लाए थे हम तुम्हें, और फिर हमारे खानदानी हार का सौदा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, बोलो? अदित्री को ले आओ और उसे सौंप दो मंजू बहू को, हमेशा हमेशा के लिए। सुना नहीं तुमने क्या कहा हमने? कोई कहानी नहीं कह रहे हम, जिसे सुनकर तुम ख्यालों की दुनिया में खो जाओ। अदित्री, आज से, अभी से सिर्फ और सिर्फ मंजू बहू की जिम्मेदारी है। तुम्हारी मर्यादा ने एक बार नहीं रोका तुम्हें। उम्र बीत गई हमारी और परमुख जी की, इस समाज में अपनी साख बनाते बनाते क्या इज्जत रह गई होगी डॉक्टर के सामने हमारे इस घर की। हमारी अपने भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बस छोड़ दो। उठिए बाबू,
मंजू, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। घर की इज्जत दांव पे लगाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये बीमारी का नाटक, डॉक्टर से सौदा, सिर्फ इसलिए कि तुम आदित्य से दूर रहना चाहती हो। एक बार मंजू बहू तुम हमसे कह देती, हम उसकी देखभाल कर लेते तो कम से कम ये सब करने की तो जरूरत नहीं पड़ती। बस कलावती, बस बहुत हो गया। ये मदारी की तरह हम सबको नचा रही है और हम चक्री की तरह घूम रहे हैं, लेकिन अब कान खोल कर सुन लो घर भर। आज से आदित्य सिर्फ और सिर्फ मंजू बहू की जिम्मेदारी है। और मंजू बहू तुम एक और नाटक करने की कोशिश की ना तो तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा देंगे हम। सारी जिंदगी फिर बन जाना तमाशा और खेलती रहना अपनी जिंदगी के साथ। नहीं अम्मा जी, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी, हम मर जाएंगे लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कभी ऐसा नहीं करेंगे। बड़की अम्मा जी, जाने दीजिए ना, मंजू दीदी को अपनी गलती समझ में आ गई है। तारा बहू, जाओ लेकर आओ सरोजा बहू को, उसे तो इस तमाशे के बारे में सबसे पहले पता लगना चाहिए। जी बड़की अम्मा जी, लाते हैं। मंजू बहू, तुम बड़ी बहू हो इस घर की, लेकिन आज से अपने छोटों की नजरों में कभी बड़ी बनकर रह नहीं पाओगी, क्योंकि आज तुमने जो खोया उसे पाने में बहुत समय लग जाएगा। तले जमीन हिल गई क्या? नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की, लेकिन एक बात बता दे, हमारा तजुर्बा और हमारे उम्र की पोथी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर हमेशा भारी रहे। मंजू बहू के नाटक के बारे में सब कुछ तो जान ही गई हो और ये भी समझ गई होगी कि यहां हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। जाओ अदित्य को ले आओ और उसे सौंप दो मंजू बहू को हमेशा हमेशा के लिए। तुमने क्या कहा? हमने कोई कहानी नहीं कह रहे हम, जिसे सुनकर तुम ख्यालों की दुनिया में खो जाओ। आदित्य, आज से, अभी से सिर्फ और सिर्फ मंजू बहू की जिम्मेदारी है। जाओ और आदित्य को ले आओ।
आदित्री आज से सिर्फ और सिर्फ मंजू बहू की जिम्मेदारी है। अरे भात फिनिश कर दिया, बहुत भूख लगी थी। तो खुश होना चाहिए ना, उसे अब जाके अपनी माँ का प्यार मिलेगा। सरोजा जी, हम चाहे उसे जितना भी प्यार दे देना, उसकी माँ की जगह तो नहीं ले सकते। हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आदित्री की माँ की जगह नहीं ले सकते। बस हम यही चाहते हैं कि मंजू दीदी आदित्री को अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट कर ले खुशी खुशी। पर हम यही सोच रहे हैं, जब ऊपर वाले ने माँ को बनाया होगा तो उसने खुद भी ये नहीं सोचा होगा कि एक बेटी की माँ बनकर और बेटे की माँ बनकर एक माँ के अंदर खुशियों में इतना बड़ा फासला आ जाएगा। ये बात तो सच है सरोजा जी, हमें भी आज तक समझ नहीं आया कि बेटा और बेटी में बड़ा फर्क क्यों। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी आदित्री इतनी प्यारी है ना कि अगर मंजू भाभी का दिल लोहे का भी बना होगा ना तो उसे चुंबक की तरह खींच लेगी। हमें भी बस उसी दिन का इंतजार है जब मंजू दीदी आदित्री को अपने दिल से एक्सेप्ट कर लेंगी, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी अफसोस के। बहुत प्यार करती है ना आप आदित्री से, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी हर दुआ कबूल होगी उसके लिए। और हम भी बस यही दुआ करते हैं कि हमें भी एकदम आदित्री जैसी बेटी हो। सुनिए, आदित्री के कुछ कपड़े और खिलौने रह गए, क्या हम उसे देने जा सकते हैं? लाइन पे जो ये तुम्हारे मगरमच्छ के मोटे मोटे आंसू है ना, हमें मत दिखाओ और हम पे इनका कोई असर भी नहीं होता। मगरमच्छ के आंसू क्या कह रही हैं आप? तो क्या, हमारे पास भी दिमाग है और हम भी सब देख सकते कि तुम हमारे दुर्भाग्य पे अपनी रोटियां सेकने की कैसी तैयारियां कर रही हो। बहू ने बेशर्मी की हद पार कर दी, नाक कट गई हमारे डॉक्टर के सामने। अपना पिंड छुड़ाने के लिए वो इतना नीचे गिर जाएगी, कभी सोचे भी नहीं थे हम। जी जी, लेकिन सोचा तो उसने भी नहीं था कि उसको बेटी हो जाएगी। पहले उसके स्वभाव में ऐसा तो नहीं था, लेकिन पूरे घर को उससे सिर्फ बेटा ही पाने की उम्मीद थी। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो कुछ पगलाए सी गई। काहे की पगलाहट कलावती? पगलाहट में डॉक्टर को रिश्वत में सोने का हार दे दिया। बड़की अम्मा जी, खाना बन गया है। आते हैं। सुनो, जरा माधव को भेजना तो। ठीक है बड़की अम्मा जी। न जाने उसने सरोजा बहू से बात की भी कि नहीं, अगर नहीं तो सब कुछ हमें अपने हाथों में लेना होगा।
बस ऐसे ही बिना डंक मार के चली जाओगी? हमने इतना बड़ा कांड किया है, चार बातें नहीं सुनाओगी? मंजू दीदी, हम आपकी देवरानी हैं, हम आपको दीदी कहते हैं, क्यों सुनाएंगे हम आपको चार बातें? हम आपको दिल से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं हम आपको। बस इज्जत और प्यार और दया वो भूल गई? सरोजा, अगर तुम हमारी देवरानी हो ना, तो हम तुम्हारी जेठानी हैं। साफ साफ कहो जो कहने आई हो। दीदी, कहना है मैं आपसे कुछ। वो ये कि आप आदित्री को दिल से अपना लीजिए। अगर इस मासूम को कुछ हो गया ना, तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। आ गई ना लाइन पे, जो ये तुम्हारे मगरमच्छ के मोटे मोटे आंसू है ना, हमें मत दिखाओ, और हम पे इनका कोई असर भी नहीं होता। मगरमच्छ के आंसू? क्या कह रही हैं आप? तो क्या, हमारे पास भी दिमाग है और हम भी सब देख सकते कि तुम हमारे दुर्भाग्य पे अपनी रोटियां सेकने की कैसे तैयारियां कर रही हो। क्या? हाँ, हमें तो बेटी हो गई, अब तुम जल्दी से इस घर को पोता देकर इस घर की दौलत पर हक जमाना चाहती हो।